हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूत फेनी। इसके लिए एक रात में 2 बाउल मैदा लेंगे। इसमें थोड़ा चुटकी भर नमक लेंगे। इसको गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। मैदे को ज्यादा नरम नहीं बनाना है, इतना जितना हम पूड़ी के लिए बनाते हैं उतना टाइट बनाना है। आटा गूंथ लिया है, इसको अभी गोल नहीं बनाना है, इसको फैला देना है हाथ को ऐसे इसको मलते हुए। थोड़ा हाथ चिकना कर लेंगे। प्रेशर देते हुए चारों तरफ फैला देना है। ऐसा करके हम इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 15-20 मिनट का मतलब है इसको 20 मिनट से ज्यादा इसको नहीं छोड़ना है रेस्ट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, अभी इसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे। 1 कप अरारोट लेंगे बाउल में। इसमें 1/4 कप तेल लेंगे। रिफाइंड ऑयल लेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसमें करीब 60 मिलीग्राम घी लेंगे। इसे एक बैटर तैयार करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पे थोड़ा हाथ भीग लेके इसको फैला के इस पे 3 कट करेंगे। इसको अच्छी तरह से और गूंथ लेंगे प्रेशर देके। इसको फोल्ड नहीं करना है, इसका गोल लोई नहीं बनानी है। इसके अभी 3 कट करेंगे। इनको एक के ऊपर एक रख देंगे। और करते हुए हाथ से मलेंगे। फिर 3 कट करेंगे। इनको एक के ऊपर एक रख देंगे। मलते हुए इसको फैला देंगे। को हम बैठे आराम से कर सकते हैं, इसको रेस्ट दे के घर में टीवी देखते हुए भी बना सकते हैं। बस खाली इसको तलने के लिए किचन में जाना होता है। इस तरह इसको 5 बार ऐसे करेंगे, कट करके वापस इसको एक के ऊपर एक रख देंगे।
पांच बार ऐसे कट करके कर लिया है। अब इसके तीन पीस फिर से करेंगे। इनके गोल लोई नहीं बनानी है, इनको साइड से ऐसे फोल्ड करके ऐसे करना है। अब ये जो बैटर बनाया है हमने, तीन लोई बनाने के बाद इसमें जो बैटर बनाया है कोटिंग के लिए वो इसके ऊपर डाल देंगे। तीनों लोइयों के बीच में एक छेद कर देंगे। ये बैटर तीनों के ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये इस पे फैला दिया है, इनमें अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा और बीच में छेद में भी ये बैटर डाल देंगे। इसको अभी 15 से 30 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब एक लोई पे हम काम करेंगे। इस पे सब पे घी और फैला देंगे ताकि ये सूखे नहीं। इस पे अभी इसको धीरे धीरे हाथों से करते हुए रोल करना है और ध्यान रहिए टूटे नहीं। इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ाते रहेंगे, इनको ऐसे घुमाते हुए। थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको 8 बना के रख देंगे। इस तरह इनको मलते हुए फैलाना है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो इनको 8 की शेप में ऐसे करके फोल्ड करना है और फिर से ऐसे इसको मलते हुए चलाना है, हाथ चलाना है ताकि इनमें घी अच्छी तरह से फैल जाए, मिक्स हो जाए घी। इसमें आप थोड़ा थक भी जाए तो आप इसमें रेस्ट भी कर सकते हैं और घी जो इसमें और लगाते जाइए ताकि ये सूखे नहीं और इसकी लोई अच्छी तरह से बन जाए। इसमें सूत है वो अच्छे से आ जाए। जब ये बड़ा हो जाए थोड़ा तो इनको फिर से 8 की शेप में मोड़ देंगे। फिर इसको घी लगाते हुए और करना है। इस तरह मैंने पहले ये दोनों लोइयों को भी काम किया है, इनपे इनको भी ऐसे फैला के बड़ा किया है। अब इस पे इसको भी ऐसे 8 बना के दोबारा मोड़ेंगे। इसको चलाते हुए ऐसे चलाते जाएंगे। जब ये लंबा हो जाएगा तो इसको फिर से 8 की शेप में मोड़ देंगे और फिर से इसको चलाएंगे। बीच बीच में घी और भी ले लेंगे ताकि इसके रेशे है अच्छी तरह से खुल जाए जब तले। और जब ये फिर से लंबा हो जाए रिंग तो इसको फिर से 8 की शेप में मोड़ देंगे। इस प्रोसेस को तीनों पे सेम मैंने किया है। इसको रिपीट करते जाएंगे ऐसे। जब बड़ा हो जाए इसको फोल्ड करते जाएंगे। जो बचा हुआ घी का कोटिंग है वो भी इस पे ले लेंगे। बाकी तीनों पे भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं। इस तरह हम घर में भी आसानी से फीनी बना सकते हैं।